Mr. Ronald Jain, please come up and welcome Pitaka ji. Can I request Ronald Jain to please come up and welcome Pitaka ji? हमने अभी इनको बाला फिल्म में भी देखा था, पर इनकी मदर याद है? Yes. She's also been the biopic on freedom fighter सरोजनी नायडू. बहुत जल्द से देखा. And before we move forward, let me introduce my co-host, Jasmin Agnihotri. She's an Indian actress who has worked in Hindi and Punjabi cinema. I have worked in many Hindi and Punjabi music video films. Her latest film is Thappa, a Zee5 original film which was released a month back. Ladies and gentlemen, that's Jasmin Agnihotri for you. And now request Shantanu Ganguly, who is the festival curator, to please join us on the dais, who is going to moderate this session. And before we start this session, ladies and gentlemen, we are going to play history. As we all know, Dipika ji is here, Sita Mata is here, we should also have Draupadi as well on the stage, right? For the first time ever, ladies and gentlemen, for the first time ever, they will share the stage and Tulas Institute is going to create a history. Ladies and gentlemen, presenting Rupa Ganguly! I'm glad that you are going to witness one of the historic moments in this 20th season. Sita and Draupadi, they were in different era. Sita was in Treta Yuga and Draupadi was in Dwapara. But in Kali Yuga, you are having both of them in front of you at Tulas for the Dehradun International Film Festival. Isn't it historic? Are you excited? शुरुआत बहुत लंबी शुरुआत है, 30 साल पहले की बात है. सो मेरा सिलेक्शन, मैं एक्चुअली राष्ट्रीय प्रोडक्शन की एक सीरियल मैंने की थी, पेइंग गेस्ट. नटराज स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रही थी और उसके पहले मैंने कभी टेलीविजन नहीं किया था. और टेलीविजन को क्योंकि इडियट बॉक्स बुलाया जाता था एंड लोग ये मानते थे कि टेलीविजन नहीं करना चाहिए. बट बिकॉज मैं एज हीरोइन के तौर से राक्षी की डिस्कवरी थी और उन्होंने जब टेलीविजन सीरियल शुरू की, दे आस्क्ड मी, तो ऑब्वियसली एक ये होता है कि आप मना नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव यू नो कास्टेड मी एंड गिव मी अ ब्रेक. अच्छा, उस दिन लंच ब्रेक में वन पर्सन केम अप एंड सेड सागर साहब की ऑफिस नज़दीक में ही है, जस्ट वन ब्लॉक अवे, तो चलो हम लोग जाके हेलो बोल कर आते हैं. उनके बेटे थे वहाँ पे आनंद सागर, प्रेम सागर, बैठे थे ऑफिस में एंड जाके हेलो किया एंड इमीडिएटली ही ऑफर्ड मी रामायण कि हम लोग रामायण बनाने वाले हैं, आप परफेक्ट हैं, सो आप करेंगे ना. मैं मना नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी सीरियल के लिए आई थी एंड उनको पता था मैं सीरियल कर रही हूँ. सो आई सेड आई डोंट हैव अ चॉइस बट टू से यस एट दिस दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई सेड ठीक है, डेफिनेटली आप बात करेंगे. उसके बाद बात हवा में उड़ गई. फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत होता है, बातें बहुत होती है, काम बहुत कम होता है. छह महीने के बाद सागर की ऑडिशन और वो ऑडिशन कर रहे थे लव कुश के लिए. मतलब राम कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे थे उस टाइम पे और सीता की भी कोई बात नहीं हो रही थी, लव कुश की बात हो रही थी. And then one fine day, I start seeing the biggest names of the industry. वो वहाँ पे auditions के लिए आए क्योंकि सीता की भूमिका के लिए उनको चाहिए था. लव कुछ हो चुके थे उसके बाद, सीता जी चाहिए थी उनको. एंड हमारे आर्ट डायरेक्टर थे जो उमर गांव के आर्ट डायरेक्टर थे, हमारा पूरा सागर का किया था उन्होंने, हरी भाई करके. उन्होंने कहा कि आप भी जाके बोलो ना कि आपको करना है. मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ, मैं उनके प्रोडक्शन में काम कर रही हूँ दिन रात और उनके बंगले में शूटिंग कर रही हूँ, लंच हम लोग साथ में कर रहे हैं, सो मैं क्यों जाके कहूँ कि टेक मी अ सीता.
So why should I say ke take me as Sita? Aise humko nazar to aata hai. So फिर मैंने तो कोई बात नहीं की, लेकिन उनको कुछ मैसेज मिला होगा तो पापा जी आए, सागर साहब को पापा जी लोग कहते थे, पापा जी आए और उन्होंने कहा कि ऑडिशन दोगे आप? तो मैंने कहा मैं रोज शूटिंग कर रही हूँ, उसके बावजूद आपको अगर ऑडिशन चाहिए तो सर ठीक है, कैसे मना करें आप रामानंद सागर को? तो मैंने किया एक दो तीन चार पाँच एंड द फिफ्थ ऑडिशन आई डिसाइडेड मेंटली, ये टास्क मेरे लिए, अगर लेंगे तो सुपर, नहीं लेंगे तो कुछ बेटर है। उस हिसाब से मैंने किया। उन्होंने मुझे एक डायलॉग दिया, लंबा चौड़ा डायलॉग था, इतना लंबा पैसेज था जहाँ पे मुझे चल के आना था और राम जी को कहना था कि मैं भी आपके साथ बनवास आऊँ, वो वाला सीक्वेंस था। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, जोर जोर से रोने लग गए कि ये मेरी सीता, हाँ ये मेरी सीता। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो इसे नहीं, आई वॉन्ट यू एज सीता, बिकॉज ये जो अपियरेंस है सीता का इज वॉट आई वॉन्टेड इन सीता, इसलिए मैंने ये चार पांच स्क्रीन टेस्ट किए। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। रूपाली, द सेम क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो। रामायण होने के बाद जब तक रामायण वॉज द मोस्ट पॉपुलर सीरियल दैट टाइम, आप यकीन माने कभी भी दूरदर्शन के प्रति जो है मतलब एक थोड़ा सा नेगलिजेंसी होता है हम लोगों का, वो कभी मत लगेगा, क्योंकि आज जो भी कुछ हम लोग हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी की वजह से, समय मिलते ही दूरदर्शन आकाशवाणी दोनों दो देखिए, यूट्यूब में जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। और उस जमाने में जो है और कोई चैनल नहीं होता था दूरदर्शन के अलावा, ये सब जो भी सैटेलाइट नए चैनल आए हैं 92 की बाद ही आए हैं, उस समय नहीं था। रामायण जो बहुत पॉपुलर सीरियल बन चुका था, उसके बाद बी आर चोपड़ा ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने महाभारत करेंगे। अब सबके निगाह वही है कि कौन अर्जुन होगा, कौन भरत होगा, द्रौपदी। अब ठीक है, वहां पर तो पांच कैरेक्टर है, हो गया द्रौपदी तो एक ही है। अगेन तमाम दुनिया से मतलब इनको उनको मैं अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा, पर उस जमाने की बॉम्बे की जो बहुत बड़े बड़े अभिनेत्रियां थी इंक्लूडिंग जूही चावला, उनको भी बोला गया था, पर फाइनली जो है रोल मिला रूपा गांगुली को। क्यों, आपको क्या लगता है रूपा जी? हेलो चिल्ड्रन फ्रेंड्स, महाभारत के जमाने में आप लोग तो नहीं पैदा हुए थे, लेकिन क्या ये कोविड के दौरान लॉकडाउन के समय में टीवी में देखने को मौका मिला? हमको भी मिला, क्योंकि हम जब शूटिंग करते थे तो सुबह 5 बजे पहुंचते थे फ्लोर पर, फिल्म सिटी में 5 बजे मैं पहुंचती थी, सुबह 5 बजे। आई यूज़ टू रीच देयर बाय 5 o'clock इन द मॉर्निंग एट फिल्म सिटी, एंड नॉर्मली वी यूज़ टू पैक अप एंड गो बैक टू द होटल बाय 8 इन द इवनिंग। सो मुझे कभी देखने का मौका नहीं मिला महाभारत चलते हुए, मुझे कभी देखने का मौका नहीं मिला। एक आध संडे अगर देख लिया तो बहुत बढ़िया, कभी देखने का मौका नहीं मिलता था। और हमारे समय में यूट्यूब वगैरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, सो मुझे भी अच्छे से देखने का सुविधा मिला ड्यूरिंग द लॉकडाउन। नाउ कमिंग टू द सिलेक्शन, firstly I never wanted to be an actor in my life, I always wanted to be an engineer, an architect. So bade mushkil se zindagi mein aise upar niche ho gaya, my guardian he left and suddenly everything went haywire. Aur main college mein ja rahi thi us waqt, to somebody followed me, main bus se utri तो कोई फॉलो किया, तो फॉलो करते करते
मैंने ऐसे घूमा और घूम के बोला एक और कदम आगे बढ़ा तो एकदम लाफा मार दूंगी. तो आई वाज लाइक दैट ऑलवेज. लाइक वो टैक्सी ड्राइवर मेरे से कुछ तंग किया, कुछ झंझट किए, तो मैं ऐसे गाड़ी से उतर के ऐसे धाड़ करके हाथ चलाने वाली इंसान हूँ. सो फाइनली दैट जेंटलमैन टुक मी टू अ वेरी वेरी फेमस डायरेक्टर कॉल्ड मृणाल सेन इन वेस्ट बंगाल. Later on, when I just started doing one or two television projects in West Bengal, and one Hindi called Ganadevta, it was a national role, national television channel role, and there I was here. So funny and so interesting. I was playing a role of a village prostitute. And seeing that, they thought this lady has put something in my face or something they liked. We are Chopra, hum sabhi unko uncle bulate the, papa ji bulate the. To phone karke, tab landline hua karta tha. Us dauran, us waqt, ghar ke phone bhi kharab tha. To hum ek chitti bheja. Chitti bhej ke, kisi ko bulwaya, Calcutta mein baat ki. बोला कि आप आओ, हम एक आपका स्क्रीन टेस्ट लेना चाहते हैं, ऑडिशन लेना चाहते हैं. अब उससे पहले मैंने कभी ऑडिशन दिया नहीं था, तो मुझे पता नहीं था ऑडिशन में क्या करना पड़ता है. तो बोला आपको बस मेकअप कराएंगे, जैसे आप मेकअप करते रहते शूटिंग में. मैंने बोला हाँ ठीक है. कि जो भी मैंने काम किया तो मेरे घर आते थे, बोलते थे ये रोल है आप करोगे, तो हाँ तो हाँ मैंने किया, ना तो ना नहीं किया, उनको थैंक यू बोल दिया. तो इस बार पहली बार मुझे ऑडिशन देना पड़ा. मैं बॉम्बे गई और बहुत लंबा चौड़ा, और आप जानते हो हम बंगाली हैं, सुपर बंगाली गर्ल दैट टू स्टडिंग इन अ बंगाली मीडियम स्कूल एंड कॉलेज, फाइनली स्पीकिंग इन हिंदी दैट टू लाइंस ऑफ लाइंस, इतने लंबे लंबे पेज में हिंदी डायलॉग, हाँ दो दो पेजेस के लंबे फुल्स के पेजेस के डायलॉग, और वो भी एकदम कठिन हिंदी. ऐसे मुंबई वाला हिंदी नहीं है, चालू हिंदी नहीं है, एकदम कठिन शब्द, कुरुक्षेत्र बोलना पड़ेगा आपको. तो ऐसे शब्द के साथ परिचय होना, उसको याद करना, बोलना. तो मैंने बस एक दिन गई, उस दिन टेस्ट लिया उन्होंने, और बहुत सारे भर भर के मेकअप मैन, बहुत बड़ा उनका ऑफिस है चोपड़ा के का, तो ऑफिस के ही एक बहुत बड़े रूम में टेस्ट हुआ. तो बोले, तो उन्होंने बोला बेटी आप हंस लो. बोला हंस लो. मैंने बोला कैसे हंसो. बोला हंस लो, ऐसा तो लाफ है, एंड हंसना ऐसा होता है कि अब जितने हंसते जाते हो वो बढ़ता जाता है, वो बहुत मजेदार चीज है. तो अचानक कोई हंसने बोले तो ऐसे करके हंसना शुरू होता है. तो हंसते 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 फाइनली आई स्टार्टेड बिकम वेरी लाउड एंड एकदम हंसते हंसते रो पड़ना. देन दे सेड क्राई एंड आई डिड द सेम थिंग. आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग out of the blue and cried. I don't know for how 10 minutes or so much. And then they said, ठीक है, हो गया. तो मैंने पापा जी को बोला कि मुझे घर जाना है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता वापस जाना है, आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना होगा मुझे एक दो दिन में बता दीजिए. आई वुड लाइक टू बी टैंगल्ड, मुझे पसंद नहीं. तो मैंने चली गई दूसरे दिन फ्लाइट लेकर, मतलब फ्लाइट दूसरे दिन था. देन इन द इवनिंग दे केम गुफी पेंटर केम एंड सेड के यू आर ऑन, तो यू आर द द्रौपदी, आप नहीं जा सकती हो कल, कल सुबह का फ्लाइट कैंसिल करना पड़ेगा. सुबह हमारे ऑफिस में जो एक जैसे प्रेस मीट वगैरह होते हैं वो होगा,
और यही ये जो फोटो आपके हर जगह पे है ना, ये द्रौपदी का जो एक फोटो आप लोग हर जगह पे लगाए हो ब्लू कलर का, वो एकदम दंडी सी दैट वाज माय फर्स्ट फोटो शूट एकदम ऐसे करके. आई डिडंट नो द काइंड ऑफ मेकअप वन हैड टू डू देयर. सो एनीवे दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्व, अच्छा लगा. और शाम को हम कलकत्ता चले गए. सबसे मजेदार बात यह है कि देखो इसमें एक सीख है, एक सीख जो अच्छे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं. व्हाई वी आर नैरेटिंग दिस स्टोरी, जो अच्छे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स होते हैं उन पर भरोसा करना जरूरी है. यू डोंट नीड टू पेस्टर देम. आप में से कई बच्चे हो सकते हो जिनका शौक है, मन है एक्टिंग करने का. आपके पास तो आज तक आपके पास रील वगैरह बहुत सारे कुछ है तो भेजा करो, बट डोंट पेस्टर देम. डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स विल ऑलवेज हैव एन आई, पर्टिकुलर चेहरा वो ढूंढते रहते हैं. उसमें अगर आप फिट बैठ गए तो 10 बार 15 बार 20 बार घसीटने की जरूरत नहीं. आप फिट बैठ गए तो फिट बैठ गए. कलकत्ता जब वापस आए सब लोगों ने कलकत्ता के सब प्रेस वगैरह, तब देन बाय देन आई वाज क्वाइट नो. सो एवरीबॉडी स्टार्टेड टेलिंग मी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए मगर चले आए. मैंने बोला उन्होंने जवाब दिए लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे. बट देन एवरीथिंग वाज फाइन इन द 10-15 डेज. सो अपने आप का अपने आप को पहचानना, अपना शक्ल और अपने जो मैनरिज्म्स है उसको पहचानना, उसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है वो भी पहचानना. कभी कभी अच्छाई को एनहांस करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी बुराई को भी एनहांस करने की या छुपाने की जरूरत पड़ती है. वो एक प्रैक्टिस है. अगर आप में से कोई भी एक्टर बनना चाहते हो भविष्य में तो जरूर 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 आईने के सामने अकेले में बात किया करना, बहुत मजा आएगा. यू विल सी योरसेल्फ इन डिफरेंट वे. थैंक यू.